ऐसा लग रहा है अब मैंने जब उठाया है जैसा मछली कांटे में फंस गई है, इसी तरह की देखो फंसी हुई है। ये मिक्सचर इस तरह किया हुआ है ना, पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्रीम डाली हुई है, चीज डाली हुई है या मक्खन डाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अल्फ्रेडो पास्ता के बारे में सुना है कभी आपने? ये मतलब इस अल्फ्रेडो, अल्फ्रेडो इस नाम का तो कोई पास्ता ना देखा है ना सुना है। नाम तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो आ भी नहीं रहा। अल्फ्रेडो पता नहीं ऐसी कोई अल्फ्रेडो, अल्फ्रेडो जी नाम है तो बहुत मुश्किल रखा है। सर आज आप ट्राई करेंगे इटालियन अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा इटालियन अल्फ्रेडो पास्ता। इटालियन अल्फ्रेडो पास्ता जी इटली का ये इटली के बात है जी। अल्फ्रेडो पास्ता यार इसके नाम इतना मुनफरद है तो ये पास्ता भी बड़े मुनफरद लग रहे हैं मुझे लगता है होंगे, तो देखते हैं अभी कैसे है ये पास्ता। नाम तो बड़ा प्यारा है। ये जो इटालियन ब्रांड है तो ये जरूर ट्राई करेंगे। इटली सर मुल्क है, इटली एक मुल्क है जी, तो जरूर फिर मतलब इटली की जो रेसिपी अल्फ्रा कुछ नाम थोड़ा सा वो है कि मतलब लेना मुश्किल है। अल्फ्रेडो पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता जरूर ट्राई करेंगे। तो पेश किया जाए? बिल्कुल जरूर पेश किया जाए। पास्ता दिखने में तो अच्छा है। अच्छा तो ये है पास्ता, हमारे यहाँ तो पता है इस तरह की रबड़ी मिलती है यहाँ। अच्छा तो ये इटली का पास्ता दिखने में तो बिल्कुल अलग ही है, ऐसा लगता है जैसे वो क्या कहते हैं दही बड़े वगैरह बने होते हैं ना, इस तरह का दिख रहा है। देखने में तो ये भाई बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहा है और इसे देख के ही मेरे मुंह में पानी आ गया फौरन। ये चम्मच भी भाग रहा है, देखो ये मेरे पास आना चाह रहा है ये चम्मच मेरे हाथ में। हाँ ऐसा बिल्कुल नरम लगता है जैसे रबड़ की तरह इलायची की तरह, क्योंकि हम घर में बनाते तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती तो इसलिए मुझे एक मतलब यकीन नहीं आ रहा कि पास्ते हैं या रबड़ी। ऐसे सांप की तरह बने हुए और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार ये, और फुल क्रीमी है ये, देखो ये पूरी क्रीम इससे टपक रहे है। ये अभी जो मैंने खाई ये मुर्गी है, चिकन है, गोटी है, हैं बड़े टेस्टी, अच्छे खाने में मजा है, जायकेदार है, हैं बिल्कुल नरम मुलायम और जायका कुछ जबरदस्त मजे का है। इटली वालों ने भाई ये तो मेरे दिल की डिश बनाई है समझो, तो मतलब मुझे बहुत पसंद आ रही है। भारतीय अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी अच्छे लग रहे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, खूबसूरत भाई। इसमें क्रीम का टेस्ट आ रहा है और मतलब जैसे क्रीम या हो सकते मक्खन वगैरह डाला हो, लेकिन क्रीम काफ़ी सारी डाली हुई है, यानी कि मेरा हरा मसाला कुछ ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा, जब भी इसमें कलर नहीं आया लेकिन टेस्ट आ रहा है उसका। हम लोग के बाद ये फ्रूट चाट मिलती है उसमें भी ना इसमें क्रीम डाली जाती है और उसमें सेब डाले जाते हैं और दूसरे किस्म के फ्रूट डाले जाते हैं, बिल्कुल वैसी, लेकिन खाने में इसका जायका नमकीन है और पूरा दही का जायका आ रहा है। एक तो पार्से हैं, चिकन है, और तो कुछ नज़र नहीं आता चीज़ें। अब ये नरम किस चीज़ से हुआ ये मालूम नहीं पड़ता है। और इसमें अगर मिर्चें वगैरह या कोई गरम मसाला डाला भी होगा तो इसमें ये जो क्रीम वगैरह चीज़ या जो भी मतलब डाला हुआ है उसके वजह से जो है ना इतना तीखा नहीं लग रहा। एक तो इसका पास्ते का टेस्ट कुछ अच्छा ही लग रहा है तो वो मज़ा कर रहा है, दूसरा इसमें दही और जो इसके साथ मसाला डाला है ना वो कुछ ज़्यादा ही मज़ा दे रहा है। वैसे मैं ज़्यादातर पास्ते शौक से खाता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत चख लेता हूँ, खाता नहीं हूँ, लेकिन ये बड़ा ही खाने में मज़ा आ रहा है। हैवी बहुत है, ये आप थोड़े से खाओगे आपका पेट भर जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा आपका पेट, क्योंकि ये बहुत हैवी है। इसमें क्रीम जो डाली हुई है ना ये बहुत गाढ़ी क्रीम है और बहुत हैवी है, ये इंसान का पेट ऐसे एक मिनट में भर देगा। ये पनीर का, हाँ पनीर का है थोड़ा बहुत जायका, दही का जायका नहीं है। वैसे देखने में तो मतलब पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे देखा तो ऐसा लगा जैसे रबड़ी पड़ी हुई है,
लेकिन अब जब हिलाकर इसको मतलब कांटे से उससे देखा तो ऐसा लगता है जैसे चना चाट होती है, मतलब इस तरह का मतलब आइटम कोई लग रहा है, यानी चना चाट की एक अल्लग शक्ल दी हुई है। वैसे अल्फ्रेडो पास्ता तो मेरे समझो एक तरह से दोस्त बन गए, बहुत ही जबरदस्त बने हुए हैं, बहुत ही मजा आ रहा है खाने में। मैंने सुना है इटली, ये पिज्जा भी इटली का है ना, उसमें भी चीज बहुत होती है, और ये भी इटली का है खाना, तो इसमें भी चीज बहुत है। लगता है ये इटली वालों भाई चीज के दीवाने, और हमें भी अब पाकिस्तानियों को भी ये चीज के दीवाने बना देंगे। अच्छा दिखने में तो अच्छा लगता है, ऐसा उठा हो तो इसका झींगे की तरह हो गया। अगर मतलब जो बंदा मतलब बड़ी एज का यानी कि 32 के 32 दांत ना भी हो तो वो भी मेरे घर में इजी खा लेगा, क्योंकि ये इतना मतलब मुलायम और नरम बनाया गया कि मुंह में रखते ही पिघल जाए। वैसे आज इन गोरे लोगों का राज पता चल गया कि ये लोग सफ़ेद चीज़ ज़्यादा खाते हैं जब इतने गोरे गोरे होते हैं। भाई इटली वालों का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इतनी बेहतरीन डिश बनाई है, भेजी है, और इसका नाम भी बड़ा प्यारा है यार, अल्फ्रेडो, अल्फ्रेडो पास्ता। तो जैसा नाम है इतना अच्छा, इसी तरह भाई इसका काम भी अच्छा है इस पास्ता का। अच्छी चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर नहीं खाते हैं, ऐसे कोई समोसा वगैरह ये बस पकौड़े ऐसी चीज़ें खाते हैं। भाई इस अल्फ्रेडो के बारे में इटली वालों को तो मैं गुड कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी इन्होंने बनाई, जो सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, और अगर कोई मरीज़ है या कोई बच्चे हैं या बड़ी उम्र बड़ी एज का कोई बंदा है तो वो भी इजी खा सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आए, बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं। हेल्थ का लिए तो खैर ये नॉर्मल है, मतलब ये आदमी का एक खाने का एक टेस्ट हो जाता है, ये कोई ताकतदार नहीं है कि ये खाने से लोग ताकत बन जाए या कुछ, वो चीज़ तो नहीं है, मतलब ये थोड़ा जायका हो जाता है, जायके के लिए लोग खाते हैं। वैसे ये डिश अगर सर्दियों में खाई जाए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, वैसे भी अक्सर हम दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं होटल में इधर उधर, तो ये पास्ते हो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये पास्ता तो मुझे बहुत पसंद आया, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी 2-3 और प्लेट हो जाएं मैं खा लूँगा, क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा था यार। इटली का ये खाना मुझे पसंद आया, जब इधर मैंने खाया भी अच्छी तरह से। अल्फ्रेडो पास्ता खाकर मुझे मतलब मेरा दिल भी खुश हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं रबड़ी देखकर मतलब खुश हुआ कि भाई मीठा यानी मेरी पसंद की रबड़ी है, लेकिन फिर पता चला कि ये तो कुछ और ही आइटम है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त भाई ये आप, मैं कहता हूँ ये खाना ऐसा है ना कि आप एक बार बैठ गए टेबल पर आप उठने का नाम नहीं लोगे। आज का फूड ट्राई करके तो मुझे बड़ा मज़ा आया भाई। मुझे नहीं पता जिसने ये डिश बनाई है, मैं तो उसके हाथों को चूमना चाहता हूँ, मतलब बहुत ज़बरदस्त बनाई है यार ये डिश, बड़ा पसंद आया मुझे। थैंक यू इटली वालों, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।